So, hello guys, welcome back to इसके ब्लॉग। तो आज लोगों ने सोचा कि हमें यहाँ पे गर्मी लगती है, यहाँ पे हम चुप बैठेंगे, लेकिन नई बड़ी कुत्ती चीज हूँ, पानी लेके आयो आज पूरा नहाता के वीडियो बना रही है मेरी। जो फर्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है पूरब झा की साइड से। पूरब झा की इंस्टाग्राम से एक स्टोरी उठी है जहाँ से शायद उनने कुछ गैस दिया है, उनने अपनी न्यू वीडियो की कुछ गैस दी है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। जब भी आप अफ्रीका के किसी जंगल में फंस जाए और आपका ब्राउनी खाने का मन हो तो भालू का मल आपके लिए बहुत ही किफायती है दोस्तों। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन है जो शाम तक मुझे जिंदा रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है टोटल गेमिंग की साइड से। टोटल गेमिंग ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जहाँ पे टोटल गेमिंग की गाइस बहुत ही गंदी वाली एक रील बनाई होती है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। अच्छा टोटल गेमिंग ने इसी चीज का रिप्लाई करते हुए कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि वीडियो डिलीट, ये आपको सामने दिख रहा होगा। जो नेक्स्ट बेट आ रही है वो रजत दलाल के रिलेटेड होने वाली है। इंस्टाग्राम पे एक रील काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जहाँ पे एक बंदा का इस रजत दलाल को काफी गंदे तरीके से रिप्लाई देता है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। और ऑनलाइन गुंडे और आज स्टोरी देख रहे हैं तो रिप्लाई रखने का भी दम रखा कर, छोटे रजत दलाल तेरी बदल दूं चलने की चाल। बाकी गाइस आपके क्या कहना इस बारे में कि पहले एक बंदे ने रजत दलाल के ऊपर खाली एक वीडियो ही बनाई थी और रजत दलाल ने इस बंदे को अपने घर से उठा लिया, तो अब आपको क्या लगता है रजत दलाल इस बंदे के ऊपर कुछ एक्शन लेने वाले या फिर नहीं, कॉमेंट करके जरूर बताना। रजत दलाल खाली ऑनलाइन कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले एक बहुत ज्यादा वायरल वीडियो के बारे में, जहाँ पे एक बंदा एक कुत्ते को गाइस काफी खतरनाक तरीके से चिढ़ा रहा होता है, कलुआ कलुआ उस कुत्ते को बोलता है और कुत्ते को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुत्ता उस बंदे को काट देता है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। तो गाइस ये हमारा फ्रेंड है, इसको कालू बोलते हैं, तो खिलस्ता है। कालू 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 कालू। जो नेक्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है लव कटारिया की साइड से। लव कटारिया ना अपनी वीडियो में काफी खतरनाक तरीके से गैस देते हुए दिखे, ऐसा लग रहा है वो ना बिग बॉस में जाने वाले हैं, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। ठीक है, आई एम ड्रॉपिंग हर एंड देन आई एम गोइंग, क्योंकि एक काम दो चार वो बताऊंगा तुम्हें। ऑल्सो गाइस तो इस वाले ब्लॉग को एंड कर देंगे यहीं पे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। समझदार हो ना तुम, बहुत सारे लोग समझदार हैं भाई, कितने अच्छे हो तुम लोग भाई। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जो नहीं करते, पहले बता रहा हूँ, जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा जिन्होंने वो भी सब्सक्राइब कर लो। ये लव कटारिया में बड़ी खुद चीज है, पिछली बार भी ना बिग बॉस का नाम लेके ना बहुत सारे व्यूज छापे थे यूट्यूब पे, इस बार भी शायद हम दोनों को ना पागल बना रहा है। पहले भी ये बोलता था कि मैं बिग बॉस में जाने वालों को काफी गैस दे रहा था और बिग बॉस में गया ही नहीं, इस बार भी बिग बॉस आने वाला और गैस देना इसने शुरू कर लिया पहले ही। नेक्स्ट हम बात करने वाला एक फ्री फायर क्रिएटर के बारे में। गाइस 99 एक फ्री फायर क्रिएटर, उनका काफी खतरनाक बड़ा क्रैश हो गया। पहले आपको पता होगा इस फ्री फायर क्रिएटर का इस ज्ञान गेमिंग का एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पे गाइस उन्होंने अपनी राइट लेग को खो दिया था। अभी गाइस मैं आपको बता दूं कि इनका काफी खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया। ये आपके सामने स्क्रीन पे इनकी गाड़ी दिख रही होगी, क्या कंडीशन है इनकी गाड़ी की, अपने फोटो भी कुछ शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पे, ये आपको सामने दिख रहा होगा। जो नेक्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है राजा डीसी साहब की साइड से। आपको पता होगा इस पहले ना राजा डीसी अपने इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा स्टोरीज डाल रहे थे, तो गाइस मुझे लग रहा है कि राजा डीसी और B3 बॉस के बीच में काफी खतरनाक वाला कोई सीन हो चुका है, या तो इनकी लड़ाई हो चुकी है। आपको पता होगा इस राजा डीसी ने काफी दोस्तों वाली काफी स्टोरीज डाल रहे थे कि मेरे दोस्त ने दोगले निकले, B3 बॉस ने भी कुछ स्टोरी डाली है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। अर्जुनास व्लॉग की साइड से, अर्जुनास व्लॉग्स ने सबको अनफॉलो मार दिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो ये सामने आपको दिख रहा होगा। तू पहले जाके ना ले, उधर बेशरम बकवास करता है, इधर ये बेशरम पुट्टी सीधी हरकतें करता ही रहता है, इधर मेरे को ना सेड खुद उधर पीछे जाके नहा। राजा डीसी साहब ने ये बताया कि जानू स्टंट ने ना अपनी BMW को वापिस ले लिया है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। अपने भाई की जानू की मैं पता नहीं क्या बोलने लग जाता हूँ, और देखो भाई गाड़ी क्या बॉम्ब लग रही है अपनी, और ये गाड़ी सही में भाई हमने ऐसे मतलब सेल कर दी थी, बट अब हमने वापस ले लिया है, और अब इसी गाड़ी को लेके हम जाने वाले हैं भाई चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में तबाही डालेंगे भाई। आप क्या कहना है इस बारे में कि आमिर भाई ने यासिर भाई को अपनी BMW दी थी और वापस से यासिर भाई से वापस से जानू स्टंट ने ले लिया, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम बात करने वाले अरमान राइडर और आमिर भाई की कंट्रोवर्सी के बारे में। आपको पता होगा आमिर भाई और अरमान राइडर की ना काफी खतरनाक वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता होगा जैसे ही अरमान राइडर ने ना आमिर भाई को एक्सपोज किया, तो काफी ज्यादा फॉलोवर्स ने अरमान राइडर को अनफॉलो कर दिया था। इसी चीज के ऊपर अरमान राइडर ने कुछ रिएक्ट किया, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। सभी आपको पता होगा की बहुत सारे बंदे मेंशन कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई 70,000 फॉलोअर थे 50,000 आगे, भाई करो अनफॉलो। मैं कहता हूँ दबा के करो, 0 फॉलोअर कर दो मेरे, कोई सीन नहीं है भाई। मैं एक चीज़ कहता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम से पल रहा हूँ ना यूट्यूब से, भाई मैं अपनी मेहनत से पल रहा हूँ, ठीक है ना। ना मेरे को यूट्यूब कुछ दे रही है ना इंस्टाग्राम। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उस बंदे ने बहुत सारे गरीबों के पैसे देने हैं, लोग मेरे से पैसे मांग रहे थे, भाई उससे बात कराओ। वो किससे बात करता नहीं है, ठीक है ना, सीधा गाली दे देता है उसको, बदतमीज़ी से वो बात करता है, अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे बंदे उसकी असलियत जानते थे, पर मैं ही सफाइयाँ देता था भाई कि नहीं वो बंदा सही है, लेकिन नहीं भाई जानवर बंदा है भाई, बहुत गलत बंदा है वो ना ये सोचता है कि मैं ना मतलब जो हूँ बस मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ हूँ, ठीक है ना। उसने मेरे को कहा भाई लोगों को बोल के भाई मैं मुस्लिम ही हूँ। अभी आपको पता नहीं है भाई उस बंदे का क्या मज़हब है क्या नहीं है, मैं अभी किसी को मज़हब से जज नहीं करूँगा, पर जो भी है करो स्पोर्ट, कोई सीन नहीं है भाई। ये भी कहा गया जो भी मैंने कंट्रोवर्सी लिया ना जानू स्टंट्स के साथ, सारा मेरे को ना आमिर भाई ने बोल सके इसको ये चीज बोलनी है, इसको ये चीज बोलनी है। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। आज तक जो भी मैंने टैग इसका डाल के जो भी वीडियोस डाली है ना, जानू पे डाली, जितने भी बंदे हैं अपने, ठीक है ना, जितने भी मोटो ब्लॉगर हैं, सबके लिए इसी ने मेरे को जो जो बातें बोली मैंने वही चीजें बोली, ठीक है ना। अब दोस्त था मेरा, बचपन का दोस्त था, मैंने इसको सपोर्ट किया है। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो भी आमिर भाई से रिलेटेड होने वाली है। क्या आमिर भाई ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन की हुई है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अरमान राइडर ने अपनी वीडियो में ये कहा है कि जो आमिर भाई ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन की हुई है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। ये ना जम्मू में आया, ठीक है ना, जम्मू में आके बोलने लगा अरमान, सारे बंदे सब बंदों को पता चल गया है कि मैंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन की है, पता नहीं क्या कुछ ऐसे करके भाई, पता नहीं क्या ज्वाइनिंग होती है भाई, मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं यार क्या करूं, सारा पूरा कश्मीर से, जम्मू से, पुंछ से, रजौरी से, जितनी भी जगह है भाई, सब जगहों से ना मेरे को हेट मिल रहा है, और मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो मेरी पहले हाइप थी ना वो सब खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कश्मीर से मुझे सारे बंदे क्यों अनफॉलो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं ना, तो ये ना बहुत परेशान था उन दिनों में। जैसे मैंने अरमान राइडर के मुंह से ये सुना कि इल्यूमिनाटी आमिर भाई ने ज्वाइन की हुई है, तो मैंने सोचा कि इल्यूमिनाटी होता क्या, तो जैसे मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया, वहाँ पे ये बताया था कि जो इल्यूमिनाटी होती है ना, वहाँ पे अपने मजहब को छोड़ना पड़ता है। मतलब इंसान जो होता है वो ना हिंदू रहता ना मुस्लिम रहता, उसका कोई भी मजहब नहीं रहता, और वो बंदा शैतान की पूजा करता है। अगर आप इल्यूमिनाटी के बारे में जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे रिसर्च करके देख सकते हो। अरमान राइडर ने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। आप सबको मिलकर ना अरमान राइडर की सपोर्ट करनी चाहिए। आमिर माजिद मुस्लिम नहीं है। 2018 से जो उसने ना टैटू बना के रखा है अपनी बाजू पर, वो जो बोल रहे थे कि मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो सब फेक दिखता है। और ये जो उन्होंने रिकॉर्ड बना के रखा है ना अपनी बाजू पर, जो ट्रायंगल का इन्होंने टैटू निकाल के रखा है, यही इल्यूमिनाटी है। इसके बीच में ना एक आंख बन के रखी है, और ना सर पे टोपी डालकर ना अपने आप को ना मुस्लिम बताता है। ये ना सब झूठ बोलता है। अरमान राइडर सच बोल रहा है। अरमान राइडर ने इश्तियाक जी के बारे में भी कुछ बात किया है, इन्होंने ना इश्तियाक जी को भी धोखा दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। भाई एक चीज और भी है जो इसने की है, आपको पता होगा कि इश्तियाक जी साथ इतने टाइम रहा था, इसने एंड में उसके साथ क्या किया, भाई का आईफोन 13 भी तोड़ दिया, उनको मारा भी था, अपनी पावर दिखा रहा था, उसका आईफोन चोरी करके साथ ले गया था। न्यू आईफोन 13 उसने 65K का लिया था 15 दिन पहले। बंदा इसके साथ जो रहता है सबके साथ ऐसा ही करता है, फिर अपनी पावर दिखाता है। इट्स टाइम टू बॉयकॉट आमिर माजिद, हैशटैग डू आमिर माजिद, वंस अ चूतिया ऑलवेज अ चूतिया। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है एलविश यादव की साइड से। आपको पता होगा जब पहले ना एलविश यादव मुनावर फारूकी से मिले थे, तब उनकी काफी खतरनाक वाली कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। अभी गाइस मैं आपको बता दूंगा, एक ना इंटरटेनर क्रिकेट लेग आने वाला है, वहाँ पे क्रिकेट का मैच होने वाला है, वहाँ पे मुनावर फारूकी भी है और एलविश यादव भी है। यूट्यूब चैनल से एक इंटरव्यू आउट हुआ है, जहाँ पे एलविश यादव और मुनावर फारूकी एक ही साथ बैठे हुए दिखे, और वहाँ पे वो कुछ बातें भी कर रहे थे। तो ये आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको लगता है की पहले मुनावर फारूकी और एलविश यादव मिले थे तो इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, अब आपको लगता है की कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है व्लॉग्स भाई सुमित की साइड से। हमने एक बंदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजता है कि मैंने ना व्लॉग्स भाई सुमित को 2000 रुपए दिया था अपना चैनल प्रमोट करने के लिए, और व्लॉग्स भाई सुमित ने ना 2000 रुपया ले लिया और मेरा चैनल प्रमोट नहीं किया। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। अविनाश भास्ट में बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम इम्तियाज है और मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट भेजा है ताकि आप ये अपने आज के न्यूज में डालो, और ये बात व्लॉग्स भाई सुमित तक पहुँच जानी चाहिए। उन्होंने एक बच्चे का 2000 रुपये लेकर उनके पैसे उन्हें वापस नहीं किए। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि किसी के पैसे लो तो उसका प्रमोशन क्या करो। तुमने बोला था यूट्यूब चैनल का प्रमोशन कर दूंगा, ना ही कोई प्रमोशन हुआ, ऐसे तुम लेकर बैठ गए चुपचाप। बाकी गाइस आपको लगता है कि व्लॉग्स भाई सुमित ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं? तेरे को क्या लगता है? स्कैम उसने किया, मैंने किया। बकवास करता है, तेरे को लगता है कि नहीं बकवास करता है? मेरे को मैलदार नहीं आता अपने में। तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है और माने कतरे की साइड से। माने कतरे ने बताया मैंने एक बहुत जल्दी गाड़ी लेने वाला हूँ। अब मुझे आप ये कमेंट करो, माफिया वरना वापस आनी चाहिए, माफिया वरना से ना आप ग्रेडेड गाड़ी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप चढ़ती क्लिप भी देख लो। सेम वैसी एग्जैक्ट वैसे हम माफिया वरना ला सकते हैं, ठीक है। या तो ये ऑप्शन है और दूसरा ये ऑप्शन है कि भाई हम उससे ज्यादा अपग्रेड वाली गाड़ी में जाएं। तो आप लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि अपग्रेड वाली जो गाड़ी होगी वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सी लेने वाला हूँ या क्या सोच रहा हूँ लेने की। तो आप बस मेरे को ये बताओ कि अपनी माफिया वरना हम वापिस लेके आए या तो इससे ऊपर अपग्रेड करें गाड़ी में, ठीक है। जो नेक्स्ट बेटा आ रही है वो भी आमिर भाई के रिलेटेड होने वाली है। जेके भाई शदाब के चैनल से एक वीडियो उठी है जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि मैंने जब आमिर भाई से मिलने के लिए गया था तो आमिर भाई ने मुझे ये बोला था कि तू क्या रोस्ट कर करके मेरे ऊपर वीडियोस बनाता है। तो इसी से रिलेटेड उसने कुछ रिएक्ट किया अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो कि ये बंदा मुझे वहाँ पे बोलने का, भाई मैंने बड़ा पैसा कमाया हुआ है, मेरा बाप मेरी वीडियोस देखता है, तो तेरी वीडियो जब आगे आ जाती है तो तू बोलता है टटपुंजा, तो कैसा लगता होगा तेरे बाप को, भाई तेरे पापा को, भाई तेरे अब्बू जी को, भाई तेरे रिलीजन से हटने पे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन उन्हें टटपुंजा मैं बोल देता हूँ उसमें दुख है। तेरे टैटू बनाने से, तेरे इल्यूमिनाटी के साइन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मेरी लैंग्वेज से तुम लोगों को दिक्कत हो। और गाइस यार आज की अपडेट यहीं तक थी। वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंचे तो आज मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। आज मैं आपका एक गाना सुनाऊंगा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके मेरे दिल में यूं ही रहना, दोगला खबरी दोगला खबरी। बाकी गाइस आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो, बताना किसका फैन है। मैं बता दूं मैं B6 आर्मी का कटने वाला फैन हूं। मैं B6 आर्मी को दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। बाकी गाइस हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी ले लो मेरे से।